गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के ईश्वर स्वरूप मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं मन बेचैन हूं, मन असंतुष्ट है, मन डिससैटिस्फाइड है, इसके बारे में मैं अपने विचार आपसे शेयर करूंगा। दो लाइनें प्रभु ने कृपा करके मुझसे लिखवाई हैं। ईश्वर साथ है, ईश्वर साथ है तो मन में चैन है, ईश्वर साथ है तो मन में चैन है। रघुवीर सत कहता हूं उस बिन मन बेचैन है, रघुवीर सत कहता हूं उस बिन मन बेचैन है। एक छोटी सी मैं बोध कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण था, वह मन की शांति के लिए, मन की बेचैनी को दूर करने के लिए चारों दिशाओं में घूमा और चार युग जिया। वह शिवलोक भी गया, ब्रह्मलोक भी गया, विष्णु लोक भी गया। धरा पे ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो उसने देखा नहीं। चार युग जीने के बाद, इतना बाहर भ्रमण करने के बाद शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक जाने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली, मन बेचैन रहा, मन असंतुष्ट रहा। आखिर वो गुरु के चरणों में गया कि प्रभु मुझ पर कृपा करें और मुझे शांति का ज्ञान दें, मेरी बेचैनी को दूर करें। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है, एक दिन अचानक अपने पिता राजा दशरथ से कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं सब तीर्थों पे जाऊं, दान करूं, पुण्य करूं। राजा दशरथ ने उसे सेना वजीर देकर के भेजा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सभी तीर्थों पे गए, पुण्य दान किया और जब वापिस आए तो एकांत में बैठ गए पद्मासन लगा करके। किसी को मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। राजा दशरथ ने, वजीरों ने, मंत्रियों ने बार बार कारण पूछा तो उन्होंने पता लगा कि इनका भी मन बेचैन है, वे आत्म ज्ञान को पाना चाहते हैं, वे आत्म शांति को पाना चाहते हैं, वे अपने आप को जानना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ईश्वर साथ है
तो मन में चैन है। वाहेगुरु साथ है तो मन में चैन है। रघुवीर सत्य कहता हूं उस दिन मत बेचैन। महर्षि व्यासगुरु ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, हरि हर जगह मौजूद है, हरि हर जगह मौजूद है, पर वह नजर आता नहीं। हरि हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं। बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन कोई भी उसे योग के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। साधक को करना क्या है? उस परमात्मा का साथ पाने के लिए, उस ईश्वर का साथ पाने के लिए, वाहेगुरु का साथ पाने के लिए अपने मन को परमात्मा से जोड़ना है, अपने मन को ईश्वर से जोड़ना है, अपने मन को वाहेगुरु से जोड़ना है। आसान तो नहीं है, मुश्किल है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की कभी नौका पार नहीं होती। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। साधक को चाहिए, हर नर नारी को चाहिए, अगर वो शांति पाना चाहता है, अगर वो अपने संतुष्टि पाना चाहता है, अगर वो चैन को पाना चाहता है, तो उसे बार बार अपने मन को परमात्मा से जोड़ना होगा, अपने मन को परमात्मा में लगाना होगा, अपने मन को ईश्वर में लगाना होगा। हाँ, इसमें भी कोई तो राय नहीं है कि मन चंचल है, बार बार ये दौड़ेगा, ये बार बार विषयों की हो जाएगा, बार बार नारी सुख की हो जाएगा, बार बार धन सुख की हो जाएगा, लेकिन हमारा काम है इसे बार बार परमात्मा में लगाना। बार बार लगाने से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल। लेकिन धीरे धीरे जो है मन जो है परमात्मा में लगने लग जाए। जब मन ईश्वर में लगने लग जाएगा, जब मन परमात्मा में लगने लग जाएगा, जब मन प्रभु में लगने लग जाएगा, तो इंसान को शांति अपने अंदर ही मिल जाएगी। इंसान को शिवलोक उसके अंदर ही बन जाएगा, इंसान का ब्रह्मलोक उसके अंदर ही बन जाएगा, इंसान के अंदर सब तीर्थ ही बन जाएंगे और उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। उसके मन में चैन आएगा, उसकी बेचैनी दूर हो जाएगी और उसको एक विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने कहा, ईश्वर साथ है तो मन में चैन है, ईश्वर साथ है तो मन में चैन है। रघुवीर सत्य कहता हूं उस दिन मन बेचैन। मन की बेचैनी को दूर करने के लिए, मन की अशांति को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि बार बार जो है अपने मन को परमात्मा में लगाए, बार बार अपने मन को ईश्वर में लगाए, बार बार अपने मन को प्रभु
में लगाए। एक दिन उसके प्रयास से, उसकी कोशिश से एक दिन मन उसका जो है ईश्वर में लग जाएगा और उसको जो है उसकी बेचैनी खत्म हो जाएगी, उसमें चैन आएगा, उसमें आनंद आएगा। लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूं कि बाहर चैन नहीं है, बाहर सुख नहीं है, मन बेचैन है, बाहर अशांति है। तो विश्व के सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, बेचैनी को दूर करने के लिए, अशांति को दूर करने के लिए अपने मन को अंदर लाएं, अपने मन को परमात्मा में लगाएं, अपने मन को ईश्वर में लगाएं और अपनी बेचैनी को दूर कर परम शांति को पाएं। जय प्रभु राम, जय भोलेनाथ।